इसमें सबसे ज्यादा बच्चों का टीचरों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा। बच्चों ने पूरे लगन और मेहनत से काफी अच्छा किया है। बाहर से अंदर खींच लेता है। यहाँ के टीचर लोग के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। हम अपनी बेटियों को बहुत सारे रूप में देखते हैं। उसी पे एक शायरी है, तो बेटी है तो रहमत है, तो बहना है तो सफर है। This is the most effective thing made by the women. बहुत अच्छा बना है और बहुत अच्छा भी लगता है। चलो वेलकम बैक इन आवर न्यू ब्लॉग। और फिर से आपका दोस्त सहेल आजमी आपके साथ है। और आज मैं हूँ अपने स्कूल पे ही, ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। और आज का दिन जो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है। यहाँ पे पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, आपके लिए, इनफैक्ट सभी लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। बिकॉज आज हमारे स्कूल में हो रहे हैं साइंस आर्ट्स एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन, जो कि एकदम बड़े लेवल पर हो रहा है। आप पीछे देख सकते हैं सारे बच्चे जो है अपने प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। हमारे साथ हैं सुमित सर, जो कि इसी स्कूल के हैं। मतलब कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, बच्चे लोग काफ़ी मेहनत किए हैं, काफ़ी इस पर इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं और आज इसको सफल बनाने के लिए अपना ही। टीचर है गौरव सर, जिन्होंने काफ़ी मेहनतें की हैं बच्चों के पीछे और इस तरह का पूरा प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के? सर इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का, टीचरों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। आज हमें लगता है कि हम पहली बार साइंस और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, गार्जियन का फीडबैक अच्छा होगा। और सर थैंक यू आप लोग का सपोर्ट के लिए। तो अभी चलिए सारा स्टॉल को जो बच्चों ने 1-2 से, मैं साइंस की टीचर हूँ और 1-6 पढ़ाती हूँ। बच्चों ने पूरे लगन और मेहनत से काफी अच्छा किया है और आगे भी ऐसा कुछ होना चाहिए बच्चों के लिए। तो गाइज काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके और बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट बनाया है। तो अभी हम लोग क्लास 1 से यहाँ से विजिट करने वाले हैं और यहाँ पे दिखाएं कि बच्चों ने क्या कुछ बनाया। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बनाया हो आप? Since you made all these things with the help of pulse. ये वाटर साइकिल, इसका शुरुआत होता है नदी और झील के, जब सूरज की रोशनी नदी और झील के पड़ती है, नदी और झील का पानी भाप बन के हवा में आने लगता है, आसान आने लगता है। हवा से धूल और कण से वो मिलते हुए बादल बनता है। जब बादल ज्यादा भारी हो जाता है तब उस वो बादल में से पानी की छोटी छोटी बूंदे निकलती है और वो बूंदे नदी और झील में जाती है। फिर नदी और झील का पानी वापिस भर देती है और इसे वाटर साइकिल बोलते हैं। Good morning sir, myself question for standard 9 and these are the students of class 9. This is made by the student of class 9 which takes two time and too much effort to make this. This is our aquarium which is made to look good and to decorate the things around us. मेरा नाम आदित्य कुमार है और हमने क्लास 7 है, पूरा क्लास 7 में बच्चों ने मिलकर बनाया ये वैक्यूम क्लीनर। और ये वैक्यूम क्लीनर, हां यस सर। और ये डज इट वर्क? वैक्यूम क्लीनर वर्क करता है। यहां पे ये अडैप्टर लगाया है जिस कारण से इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और अंदर प्रेशर बन रहा है। ओके, प्रेशर बन रहा है तो बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो इस कारण से ये ऐसे कचरा बाहर से अंदर खींच लेता है ऐसे। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज हबीबा एंड आई रीड इन क्लास 7। टुडे आई एम मेकिंग मॉडल ऑफ स्कूल। So when 5 years before school model school is here. 5 साल पहले आपका स्कूल ऐसा था? हाँ। Okay, next. And our current school is here. तो दोनों में आप differences क्या है, define करेंगे, क्या कुछ changes आए हैं? हाँ, ये थोड़ा small है और ये थोड़ा big था और यहाँ ground नहीं था और यहाँ ground है। यहाँ ground floor था, यहाँ second floor था। Okay. Facilities नहीं थे but अब बहुत सारे facilities school में available है। My name is Sonam. I read in class 7. Today I make pyramid of balanced diet. This is technology. Technology changes our life. Yes, and easier our life. It is very important in this era. Yes. Okay. Next.
Next is addition. Addiction is the physically or all the things are very harmful for our life. Yes. We must not use it. Yes. Okay. Next. And next is healthy food. This is very useful to every person. And do not eat junk food. जो भी एक्टिविटी हमको यहाँ देखने को मिला बहुत अच्छा लगा. उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ. यहाँ के टीचर लोग के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं जो अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बच्चे को सिखाएं और अच्छा से अच्छा लोग प्रदर्शन किए, इससे काफी खुशी मिला हमको. माई नेम इज तन्वी कुमारी, क्लास 6. इन हार्ट पेन लंग्स Inhalation and exhalation. Inhalation is exhalation. Air, oxygen is called exhalation. Name is Ifat Parveen. Exhalation. When we exhale CO2, the air comes out of the lung. ये जो हम लोग पहले कच्चा हाउस में थे. ये कच्चा हाउस का मॉडल होगा. Yes, ये हम लोग कच्चा हाउस का मॉडल जो हम लोग पहले इसमें थे. ये डेवलपमेंट हुआ तो हम लोग का बड़ा हाउस होगा. ये पक्का हाउस होगा. ये पक्का हाउस होगा. बात करते हैं अगर सो जाते हैं कोई भी अनजान हम लोग घर में घुस सकता है. हो सकता है इसलिए हम लोग यहाँ पे लेजर लाइट और अलार्म का हम लोग यहाँ पे बंदोबस्त किए हुए हैं. यस सर. अगर कोई भी अगर गेट के अगर अंदर होता है एक 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 कदम अगर अंदर रहता है तो हम लोग को अलार्म वगैरह शुरू हो जाएगा. कैसे ये वर्क करेगा ऐसे? यस सर. ओके, तो आप देखिए ये वर्क कर रहा है. पढ़ाई के साथ साथ ओम बनाया है, कुछ बच्चा हार्ट बनाया है, किडनी बनाया है, पढ़ाई के बाद में बहुत सुंदर बात है. माय नेम इज सोनल कुमारी, आई रीड इन क्लास 5. सर मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका नाम है ये सोलर सिस्टम जो सन के चारों ओर चलते हैं. लाइक दिस ये रॉकेट बनाया गया है यहाँ पे. सॉरी, फ्लाई रॉकेट है. जब हम अपने गिरता है हमारा पानी तो गिरता है तो इस पे जाता है तो हम कोई कोई गिरता है तो सेव करते हैं. कोई भी गड्ढा होता है जिसमें सेव होता है वो भी गंदा पानी. और जब हम लोग अगर सेव करेंगे तब हम दूसरे होते हैं दूसरे दूसरे जगह पे, गांव हो गया जैसे अलग अलग गांव पे हम ये पानी भेज सकते हैं. माय नेम इज तन्वी कश्यप, माय क्लास इज 5. ह्यूमन एनाटॉमी इज अ 3D मॉडल ऑफ ऑर्गन्स, ब्रेन, लंग्स, लीवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट. कैसा लग रहा है यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन में? बहुत अच्छा लग रहा है. माय नेम इज मिथि रानी, आई रीड इन क्लास 5. दिस इज माय प्रोजेक्ट नेम वोल्केनो. माय नेम इज हर्षराज, आई रीड इन क्लास 5. दिस प्रोजेक्ट इज माय प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट नेम इज शेप ऑफ शैडो. वाटर प्रोसेसर ऑक्सीजन इसमें कह रहे इसी के पानी लेते हैं. हाउस है. ओके. और यहाँ पे केक बार. ओके. और यहाँ पे गाड़ी है. यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ऐसा होना चाहिए प्रत्येक स्कूल में. ये चीज़ यहाँ आके बहुत अच्छा लगा. सारा स्टॉल विजिट किया. बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है और बहुत ही बढ़िया. बच्चे लोगों के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और ऐसे ही फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा उन्हें. प्रोजेक्ट है उसके द्वारा हम बता सकते हैं किस देश में रात हो रहा है, किस देश में दिन हो रहा है. रिफ्रिजरेशन है सर, ये इसके द्वारा हम बताएंगे कि आगे के टाइम में पानी कैसे सेव कर सकते हैं. मेरा नाम अमन कुमार है और क्लास 8 का छात्र है. कि हम लोग अपने अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं धीरे धीरे करके, तो हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए. कचरा कहीं से नहीं फेंकना चाहिए, हम लोग को कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए. Myself Asha and I am in standard 8 and this is my art just like science exhibition. This is a hologram and this acts like a bioscope. और जो ये प्रोसेस हो रहा है इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं. अमृता शर्मा, मैं क्लास 8 में हूँ. यहाँ एक थीम है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे बनाया गया. हमारे सोसाइटी में दो टाइप के जेंडर होते हैं, एक मेल और एक फीमेल. लेकिन यहाँ पे तो मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता है, जबकि इन दोनों को इक्वल राइट्स देना चाहिए. और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, कभी किसी ने नहीं सोचा कि ये नारा क्यों लगता है. हम अपनी बेटियों को बहुत सारे रूप में देखते हैं. उसी पे एक शायरी है, तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है. तेरे हर एक लम्हे में तेरा एहसान है और तेरे हर एक एहसान को मेरा दिल से. वाह, बहुत बढ़िया, आई लाइक इट, ग्रेट. स्कूल का मॉडल है ना, ऐसा कुछ स्कूल है, अच्छा सा प्ले ग्राउंड है, आस पास में ग्रीनरी है. माय नेम इज केशव नारायण, आई रीड इन क्लास 4. हाउस एयर पॉल्यूशन, इट हार्म्स एनिमल्स, ह्यूमन. सो हम लोगों ने यहाँ पे सारे स्टॉल्स को विजिट किया है और काफी अच्छा बच्चों ने
काफ़ी कमाल के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और हमारे साथ हैं हमारे सभी स्कूल के सारे टीचर्स हैं और हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर संतोष सर। सर क्या कुछ कहना चाहिए, ओवरऑल रिव्यू कैसा, कुछ क्या कुछ रहा सर? बच्चों ने काफ़ी बेहतर मेहनत किया है, जितना एक्सपेक्टेशन था मुझे इन लोगों से इससे ज़्यादा मेहनत इनसे किया। खास करके धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साइंस फैकल्टी को, गौरव सर, आकृति मैम, बाकी टीचर सोहेल सर, बाकी सारे लोगों ने सबका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रियली में बच्चों ने बहुत अच्छा किया, और ये सब होना चाहिए जिससे बच्चों का क्रिएटिविटी निकल कर सामने आता है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, काफी अच्छे तक परफॉर्मेंस भी किया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये लोग देख के। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, और मेरी भी क्लास है तो मेरी भी क्लास ने अच्छा ही किया है। सबसे अच्छा क्लास 6 का लगा, क्लास 7 का लगा, क्लास 8 का लगा, और क्लास 9 का भी लगा, मतलब तीन क्लास में बहुत अच्छा, मतलब काफी अच्छा प्रोजेक्ट। इस तरीके का पहले ऐसे अपने स्कूल में ऐसा कुछ हुआ था एग्जीबिशन टाइप ऐसा? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ था इस ईयर, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब ये बहुत ही एक अलग ही लेवल का यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन किया, इस तरह बहुत अच्छा बना है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। ओके चलो, थैंक यू। सो ये हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैम दीक्षा मैम, तो इनसे भी रिव्यू लेते मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? It feels overall better. And यहाँ बच्चों ने काफ़ी कुछ, हमारे बच्चों ने बहुत दिल से सभी लगे हुए हैं, तो साइंस एग्जीबिशन के लिए, आर्ट एग्जीबिशन के लिए सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज लेके आए हैं, चाहे वो क्लास 7 की हो, 8 की हो, 9 की हो, या जूनियर सेक्शन भी हमारा बहुत अच्छा किया है। इन सभी बच्चों को दिल से बहुत दिल से कॉन्ग्रेट्स है, एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग है कि ऐसे ही ये लोग अपना मेहनत करते रहे, कीप डूइंग द हार्ड वर्क। सारे टीचर्स का सपोर्ट है, स्पेशली हमारे साइंस टीचर्स का सपोर्ट है, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स है, उनके बच्चों ने इतना अच्छा किया है, आपका सपोर्ट से पूरे में, आपका आइडियाज़ है, आपका इतना मेहनत है, आप सुबह से लगे हुए हैं, तो हमारे साथ डायरेक्टर सर के नेतृत्व में इतना सारा काम हो रहा है, तो इसके लिए सबका सबको कॉन्ग्रेट्स है, और सबके लिए आने वाले समय के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Good morning sir, my name is Evan Kumar. And my name is Jumita. We are from class 9 and we are make an artificial geostationary satellite. It is a main work in space and it is present place in 35,800 km in space over the equator, and it is moves around the earth with best to test. And this is the most expensive thing made by the human being in the world ever. And this blue cloud is located at 71% of water present is covered with earth, and white cloud is Antarctic is 80% in the South Pole, and green cloud shows that 21% land is covered of the earth. That's all sir. Thank you sir. Okay. बहुत अच्छा लगा, बच्चे लोग इतना ये करके मतलब सबका उत्साह बढ़ाया है, सब चीज सीखने को मिला है इससे, अच्छा लगा, और बच्चे लोग को मनोबल बढ़ रहा है इससे, आप लोग को करना चाहिए। सारे स्टॉल आपने विजिट किया? हाँ, बहुत अच्छा बनाया सारे बच्चे। ओके, तो आगे भी इस तरीके का प्रोग्राम किया जाना चाहिए, किया जाए, आप लोग इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। सो गाइस, काफी मजा रहा है यहाँ पे, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के यहाँ पे आए थे और सभी लोगों ने विजिट किया, और सभी लोगों का कहना यह है कि इस तरीके के प्रोग्राम जो है ना टाइम टू टाइम हेल्ड किए जाते रहने चाहिए, काफी अच्छा लगता है। पढ़ाई से हट के, सिलेबस से हट के, बच्चों का जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी मतलब ये सारा कुछ होना चाहिए, बच्चों का स्किल निखरता है और बच्चे इससे बहुत कुछ सीखते भी है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया, क्लास 1 से लेकर 10 तक के सारे बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और काफी अच्छा, बहुत ही कमाल का यहाँ पे उन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया, सारा कुछ एक्सप्लोर किया, दिखाया, उनका एक्सप्लेनेशन भी मुझे पर्सनली मैं बोलूँ तो एक्सप्लेनेशन बच्चों का काफी अच्छा था, और बच्चों लोगों ने काफी दिनों से इस चीज में लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, सो आज फाइनली ये शो ऑफ करने का दिन था, तो काफी मजा आ रहा है यहाँ पे आकर के। और आप अभी भीड़ देख सकते हैं, लगातार यहाँ पे जो है बच्चों के पेरेंट्स आ ही रहे हैं और लोग अपना रिव्यू दे रहे हैं कि काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। सो गाइस, काफी मजा आया साइंस आर्ट्स एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन में, और आपको भी काफी मजा आया होगा क्योंकि एक अच्छे लेवल पे, एक ग्रैंड लेवल पे एग्जीबिशन लगाया गया था, साइंस एग्जीबिशन, काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे। और आप लोग कमेंट करके बताइए ना कि बच्चों ने काफ़ी मेहनत तो किया था, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए थे, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसका
प्रोजेक्ट काफ़ी बेहतरीन रहा और कौन कौन से क्लास जो है वो विनर की कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से क्लास को प्राइज देना चाहिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाइज, सो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा क्लास विनर है। सो बस ये था आज का हमारा ब्लॉग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।